हेलो फ्रेंड्स, सिला किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सिला किचन में खस्ता बना है और ये छठ के लिए खस्ता बना है। और ये खस्ता कैसे बनाई हूँ वो आज शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर देखते हैं खस्ता कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, खस्ता बनाने के लिए मैंने 3 किलो मैदा लिया है। आप देख सकते हैं 2 कटोरा में मैंने मैदा ले रखा है। और यहाँ पर 2 कटोरी घी लिया है। और यहाँ पर मैं कोकोनट पाउडर लिया है, नारियल का बुरा आधा। और यहाँ पर भूरा लिया है, चीनी शुगर पाउडर। इन सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी, मैं बुरा आधा डाल दूँगी। ये शुगर पाउडर है। और यहाँ पर 1 कटोरी ये घी डाल दूँगी। और ये कोकोनट पाउडर है, ये मैं अंदाजे से ही सब डाल रही हूँ क्योंकि मुझे आइडिया है बनाने की। इन सारी चीज़ों को मिलाऊँगी अच्छी तरीके से। सारी चीज़ों को मिलाने के बाद फ्रेंड्स, मैं पानी से इकट्ठा किया है। अब देख सकते हैं मेरा बनकर बिल्कुल रेडी है। ये तो फ्रेंड्स, खस्ता बनाने के लिए मैंने ये रेडी कर लिया है। मेरा खस्ता बनने के लिए बिल्कुल रेडी है ये। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लिया है। ये छोटे छोटे मैं अब खस्ता बना लूँगी। फ्रेंड्स, 3 किलो मैदे में मैंने 1 किलो कोकोनट पाउडर मिलाया है और 2 किलो भूरा मिलाया है, चीनी शुगर पाउडर। तो फ्रेंड्स, मैं खस्ते को एक सांचे की मदद से बना लूँगी। यहाँ पर तेल थोड़ा सा लगा दूँगी मैं। इस सांचे में 2 डिजाइन है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं सारे खस्ते को इस तरीके से बना लूँगी। और यहाँ पर तेल में गरम कर लिया है और यहाँ पर 1-1 खस्ते को मैं डाल दूँगी। गैस को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कर रखा है और इसे अभी नहीं पलटूंगी, थोड़ी देर में पलटूंगी इसे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मेरा खस्ता तल गया है और ये खस्ता बिल्कुल बिस्किट की तरह लगता है। एक प्लेट में मैं निकाल लूँगी इस खस्ते को और बाकी खस्ते को मैं इसी तरीके से तल लूँगी। फ्रेंड्स, मैं सारी खस्ते को इसी तरीके से तल लूँगी, उसके बाद दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा खस्ता बनकर बिल्कुल रेडी है। अब देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और करारी खस्ता बना है और कितना सारे खस्ता बनाया है मैंने, अब देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।